वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन अर्थात यौगिक अंतः परिवर्तन को डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक थोड़ा सा टफ माना जाता है। टफ होने का कारण ये है कि यदि हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंधित डीपली नॉलेज है तभी हम ये टॉपिक को ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये कन्वर्जन तभी हमको सरलता से हो सकते हैं जब हमें हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर्स की डीपली स्टडी होती है तभी हम इनको आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ऐसे कन्वर्जन की स्टडी की थी जिनमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। इसके लिए हमने वहाँ पर चार रिएक्शंस को मुख्यतः इस्तेमाल किया जिसमें कि बुट्स अभिक्रिया, फ्रैंकलिन अभिक्रिया, कॉलवे के विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया और एल्काइल हैलाइड की KCN से अभिक्रिया। इन चारों अभिक्रियाओं का इस्तेमाल करके हम कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हम ऐसे कन्वर्जेंस की स्टडी करेंगे जिनमें कि कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी होती है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, इसके लिए हम मुख्यतः दो रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। एक वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं और एक हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। बहुत कम समय में हम इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह के सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करा देते हैं। ये सोडा है NaOH और ये लाइम, लाइम माने चूना। इस प्रकार से Na2CO3 बाहर निकल जाता है और हमको एल्केन प्राप्त होता है। आप इसको इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, Na2CO3 ये बाहर निकल गया और हमको एल्केन मिल गया। जबकि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में हम एक एमाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से करा देते हैं। प्राइमरी अमीन बनता है K2CO3 2H2 प्लस 2KBr। तो ये दो रिएक्शंस हैं जिनका हम इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में अधिकतर इस्तेमाल करेंगे, वी कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। एक चीज और हमको ध्यान रखनी है, KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक इन दोनों का हमको बहुत अधिक इस्तेमाल करना है। KOH एक्वस का उपयोग करके हम एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से R, OH और KX पोटेशियम हैलाइड। तो ये KOH की इंपॉर्टेंस है, जबकि जो KOH एल्कोहलिक होता है, KOH एल्कोहलिक का यदि हम इस्तेमाल करें तो हमको एल्कीन प्राप्त होते हैं। इसको और थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये एक एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर KOH एल्कोहलिक से कराई तो मुझे एल्कीन के रूप में एथिलीन मिल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम KOH एल्कोहलिक का उपयोग समझ रहे हैं, KOH एल्कोहलिक एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया करके एल्कीन देते हैं। इस प्रकार से मैंने यहां पर एक एल्काइल हैलाइड ले लिया है, यह एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्शन में KOH एल्कोहलिक से कराता हूं, एल्कीन मिलेंगे। ये वाला Cl निकलेगा और एक H निकलेगा। हो सकता है अगर H इस वाले कार्बन से निकले तो इस प्रकार का एल्कीन हमको प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये भी हो सकता है कि ये वाला Cl इस वाले H से अभिक्रिया कर जाए और HCl निकल जाए तो इस प्रकार से एल्कीन मिलेगा। अब ये दोनों ही अलग अलग एल्कीन है, इसका नाम है
ब्यूट वन ईन और इसका नाम है वो ब्यूट टू ईन। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, इन दोनों कंपाउंड में से कोई सा एक कंपाउंड ही सही है। अब कौन सा कंपाउंड सही है, ब्यूट वन ईन सही है कि ब्यूट टू ईन सही है, तो इसको हम सेट जेफ रूल से स्पष्ट कर सकते हैं। सेट जेफ रूल हमको बताता है कि जब असम्मित एल्काइल हैलाइड होते हैं, असम्मित एल्काइल हैलाइड ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनमें कार्बन जिस सीएल पर लग रहा होता है उसके दोनों ओर लगने वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है जिस पर कि हाइड्रोजन की कम संख्या है। यानी कि ये वाला कार्बन जो है जिस पर कि दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, ये वाला अपना एच निकालेगा और हमको इस प्रकार से टू ब्यूटीन मिलेगा, वन ब्यूटीन नहीं मिलेगा। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि वन ब्यूटीन की मात्रा कम होगी और टू ब्यूटीन की मात्रा अधिक होगी, लेकिन जो अधिक मात्रा वाला होगा हम उसको ही यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक का उपयोग बताया। जब मैं KOH एक्वस की एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो एल्कोहल मिलेंगे, और जब KOH एल्कोहलिक की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो एल्कीन मिलेंगे, और यदि एल्काइल हैलाइड असम्मित हुए तो उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जिस पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इसको एक अन्य एग्जाम्पल से और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैं इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला एल्काइल हैलाइड लेता हूँ और इसकी रिएक्शन में KOH एल्कोहलिक से कराता हूँ, या तो ये वाला H निकलेगा तो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, या फिर ये वाला H निकलेगा तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। इन दोनों के नाम एक जैसे ही होंगे, दोनों एक ही कंपाउंड है। इसका नाम है प्रॉप वनीन और इसका नाम भी है प्रॉप वनीन, क्योंकि इसकी नंबरिंग हम ऐसे करेंगे और इसकी नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपको दो बातें समझाई। पहला है कार्बन परमाणु की संख्या किस प्रकार से कम की जा सकती है, उसके लिए हम भी कार्बोक्सिलिकरण अभिक्रिया का इस्तेमाल करेंगे या फिर हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है KOH एक्वस और KOH एल्कोहलिक का क्या लाभ है, क्या उपयोग है, इसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट और भी है जो कि आपका बेस क्लियर करेगा, आपकी नॉलेज को और इम्प्रूव करेगा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए तीसरे फंडामेंटल की ओर चलते हैं। तीसरे फंडामेंटल के रूप में मैंने यहाँ पर एक डिग्री मोनो एल्कोहल के रूप में प्रोपेनॉल लिया और मैंने इसका ऑक्सीकरण कराया। ऑक्सीकरण कराने पर एक डिग्री मोनो एल्कोहल संगत एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा CH3CH2CHO, और पुनः ऑक्सीकरण करने पर संगत कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इस तरीके संगत का मतलब है यहाँ पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर जब मैंने एक डिग्री मोनो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो मुझे संगत एल्डिहाइड मिला, और पुनः ऑक्सीकरण बनाने पर संगत कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक प्राप्त हुआ। अब दो डिग्री मोनो एल्कोहल की बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने आप एक दो डिग्री मोनो एल्कोहल ले लिया है। अब मैं जब इसका ऑक्सीकरण कराऊंगा तो मुझे संगत कीटोन मिलेगा इस तरीके से, जो दो डिग्री मोनो एल्कोहल है। ये बात हम एल्कोहल वाले चैप्टर में समझ चुके हैं, तो एक बार आप एल्कोहल वाले चैप्टर को जरा डीपली स्टडी कर लीजिएगा, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण का जो विपरीत होता है वह अपचयन होता है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का योग। अगर मैं यहां पर इसका अपचयन करा दूं,
कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक का, तो वह संगत एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और संगत एल्डिहाइड का फिर से यदि मैं अपचयन करा दूं तो वह एक डिग्री मोनोमर अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, ऐसा मैं यहां पर भी कह सकता हूं कि कीटोन संगत 2 डिग्री मोनोमर अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। या मैं फिर से इसको बोलूं, अपचयन करने पर कीटोन 2 डिग्री मोनोमर अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं, या और अच्छी तरीके से बोलूं तो कीटोन्स अपचयन करने पर संगत 2 डिग्री मोनोमर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। संगत का मतलब है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए यहां पर यदि मैं प्रबल ऑक्सीकारक ले लूं तो 1 डिग्री मोनोमर अल्कोहल डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में चेंज होगा। अब ये प्रबल ऑक्सीकारक क्या हो सकते हैं, अम्लीय K2Cl2O7, अम्लीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, उदासीन KMnO4, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये 1 डिग्री मोनोमर अल्कोहल को डायरेक्ट संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक में चेंज कर देते हैं। और यदि मैं यहाँ पे मंद ऑक्सीकारक ले लूं, जैसे कि ब्रोमीन वाटर एक मंद ऑक्सीकारक होता है, तो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीकरण होगा। 1 डिग्री मोनो अल्कोहल ऑक्सीकरण करने पर संगत एल्डिहाइड में चेंज होगा, और मंद ऑक्सीकारक के द्वारा संगत एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक में परिवर्तित होगा। ऐसा ही मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, यहाँ पर चाहे 2 डिग्री मोनो अल्कोहल में चाहे प्रबल ऑक्सीकारक यूज करें चाहे दुर्बल ऑक्सीकारक यूज करें, वहां पर तो ऐसा कोई मैटर है ही नहीं, केवल ये केवल 1 डिग्री मोनो अल्कोहल के साथ ही लागू होता है। तो सेकंड वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 3 बेसिक पॉइंट समझाए, कार्बन परमाणु की संख्या किस प्रकार से कम की जा सकती है, KOH अल्कोहलिक और KOH एक्वस का क्या इस्तेमाल है, और 1 डिग्री मोनो अल्कोहल 2 डिग्री मोनो अल्कोहल ऑक्सीकरण किस प्रकार से करते हैं, और कौन कौन से उत्पाद देते हैं, और जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह अपचयन करने पर उनका क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया। आइए कन्वर्जेंस की ओर लौट करके चलते हैं। लगभग 7 कन्वर्जन हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए हैं। 8वां कन्वर्जन यहाँ पर समझते हैं, जिसमें कि कार्बन परमाणु की संख्या कम होगी, और बहुत ईजी कन्वर्जन हम यहाँ पर लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो आप इसके नोट्स अवश्य बनाएं, अपने भाषा में अपने राइटिंग में लिखें जरूर। आप हमारी PDF फाइल की हेल्प ले सकते हैं, ये PDF फाइल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल सकते हैं। और बार बार इनकी स्टडी कीजिएगा, बार बार इनको लिखिएगा, समझिएगा, अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं। कुछ ही कन्वर्जन यहाँ पर आपको ध्यान से समझने होंगे, और बाकी सब कन्वर्जन फिर एक ही पैटर्न पर है। पहला कन्वर्जन हमने यहाँ पर लिया है एथेन से मैथेन। यदि हम एथेन की बात करें तो C2H6, और इससे हमको मैथेन बनाना है CH4। पहली दृष्टि में हमको समझ में आ गया कि कार्बन परमाणु की संख्या में कमी करनी है, और कार्बन परमाणु की संख्या में जब कमी होगी तो या तो हमको विकार्बोक्सिलीकरण करना है या फिर हमको हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया करनी है। विकार्बोक्सिलीकरण तभी होगी जब आप कार्बोक्सिलिक समूह का सोडियम लवण बनाएं। इसके लिए CH3CH3 का क्लोरीन डेरिवेटिव बनाएं और क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं सूर्य के विस्तृत प्रकाश में एल्काइल हैलाइड के रूप में इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। अब आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए KOH एक्वस से अल्कोहल में, ये चेंज हो जाएगा CH3CH2OH। अब इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, 2 पदों में कराएंगे तो मंद ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यदि 1 ही पदों में कराएंगे तो आपको यहाँ पर तीव्र ऑक्सीकारक का इस्तेमाल करना होगा। तो फिलहाल मैं मंद ऑक्सीकारक का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, जैसे कि ब्रोमीन वाटर, और मैंने ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह बना लिया। इसका सोडियम लवण बना लीजिए, सोडियम धातु से रिएक्शन करा करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब भी कार्बोक्सिलीकरण करने के लिए ये कंपाउंड रेडी है NaOH और CaO सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन करा दीजिए, CH4 बन गया। और यही हमारा टॉपिक है कि एथेन से मैथेन आप किस प्रकार से बनाओगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हमने एसिटाल्डिहाइड से मैथेन लिया है। यदि हम एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो CH3CH इससे हम CH4 बनाएंगे। यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु और यहाँ पर 1 ही कार्बन परमाणु है, तो कहीं ना कहीं कार्बन परमाणु की संख्या हमको घटानी है। इसके लिए हमको विकार्बोक्सिलीकरण या फिर हाफ में ब्रोमाइड अभिक्रिया करानी होगी। तो हम जानते हैं कि एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक एसिड में
चेंज हो जाएगा, और यदि मैं इसकी सोडियम से रिएक्शन कराऊं तो इसका सोडियम डेरिवेटिव बन जाएगा, और सोडा लाइम से रिएक्शन करा दूं NaOH प्लस CaO तो इस प्रकार से हमको मैथेन मिल जाएगा। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एट्थ वाला जो पॉइंट है वो इसका उसमें भी ये आ चुका है, तो ज्यादा कोई कठिन कन्वर्जन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट कन्वर्जन है प्रोपेन से एथेन, और एट्थ कन्वर्जन के जैसे ही ये कन्वर्जन है, पहले इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। CH3CH2CH3 ये प्रोपेन है, इससे हमको एथेन CH3CH3 बनानी है, तो कार्बन परमाणु की संख्या कहीं ना कहीं घटानी है। यहाँ पर जो है तीन कार्बन परमाणु है, यहाँ पर दो कार्बन परमाणु है, तो प्रोपेन का हेलोजन डेरिवेटिव बना लीजिए। इसके लिए आप क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए सूर्य के प्रसिद्ध प्रकाश की उपस्थिति में। यद्यपि ये रिएक्शन बहुत ही तेजी से होती है और बहुत ही इसको कंट्रोल करके करना पड़ता है, तो इसका अर्थात प्रोपेन का हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा इस प्रकार से CH3CH2Cl। अब आप इसकी KOH एक्वस से रिएक्शन कराकर एल्कोहल में चेंज कर लीजिए CH3CH2CH2OH। अब इसका तीव्र ऑक्सीकरण करा दीजिए, इसके लिए आप अम्लीय K2Cr2O7 या फिर अम्लीय KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक बन जाएगा, इसका सोडियम डेरिवेटिव बना लीजिए, तो CH3CH2COO यानी यहाँ पर सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, विकार्बोक्सिलिक अभिक्रिया, और इस प्रकार से हमको एथेन प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर का पहला इंपोर्टेंट कन्वर्जन है, जो कि बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, मैथिल एल्कोहल को मैथिल एल्कोहल में चेंज करना है, या मैथेनॉल को या एथेनॉल को मैथेनॉल में चेंज करता है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3CH2OH को हमें CH3OH में चेंज करना है, कार्बन परमाणु की संख्या घटानी है, तो CH3CH2OH इसका ऑक्सीकरण कर दीजिए, मंद ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, पुनः ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक समूह का यौगिक बनेगा, सोडियम डेरिवेटिव बना लीजिए इसका CH3COONa, सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए NaOH प्लस CaO CH4 बन गया, क्लोरीन डेरिवेटिव बना लीजिए इसका CH3Cl बन गया, और KOH एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए तो मेथिल अल्कोहल बन गया। एक तरीका और भी है इसका, CH3CH2OH ऑक्सीकरण करा दीजिए, एसिटिक एसिड बन गया, अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए एमाइड बन गया, H2O निकल जाएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दीजिए Br2 प्लस 4KOH प्राइमरी अमीन बन जाएगा। अब इसकी आप रिएक्शन HONO से करा दीजिए इस तरीके से, N इधर O इधर और OH इधर, तो N2 निकल जाएगा H2O निकल जाएगा, और आपको ये मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा CH3OH। तो एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको अवश्य लिखिएगा। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है एसिडिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल बनाना, तो एसिडिक अम्ल CH3COOH और फॉर्मिक अम्ल HCOOH, कार्बन परमाणु की संख्या में कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमको विकार्बोक्सिलीकरण या फिर
हाफ एन ब्रोमाइड अभिक्रिया करानी होगी, तो CH3COOH इसका सोडियम लवण बना लीजिए, CH3COONa, सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन करा दीजिए, CaO+ NaOH मैथेन हमको मिल जाएगी, क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरीन डेरिवेटिव बन जाएगा, और अब आप जानते हैं KOH एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए, CH3OH ऑक्सीकरण करा दीजिए, संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल हमको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ऑक्सीकारक के रूप में तीव्रवाक्सीकारक यानी कि K2CR2O7 अम्लीय K2CR2O7 अम्लीय KMnO4 का इस्तेमाल किया है। एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है, इसको अपनी कॉपी में लिख करके अवश्य करिए। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। एथिलामीन से मैथिलामीन इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। एथिलामीन CH3CH2NH2, मैथिलामीन CH3NH2, कार्बन परमाणु की संख्या में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, CH3CH2NH2 HONO से रिएक्शन करा लीजिए, नाइट्रस अम्ल से N2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमको एल्कोहल मिल जाएगा, ऑक्सीकरण करा दीजिए, ऑक्सीकरण कराने पर एसिटिक एसिड मिल जाएगा। अब आपके समझ में आ गई होगी, अमोनिया से अभिक्रिया करा दीजिए, एमाइड बन जाएगा CH3CONH2 और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दीजिए, Br2+4KOH यहां लिख दीजिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, और इस प्रकार से 1 डिग्री अमीन के रूप में आपको मैथिल अमीन मिल जाएगा। इसको करने के और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन जिस पैटर्न पर हम चल रहे हैं कि किस तरीके से कार्बन परमाणु की संख्या घटानी है, तो उसके लिए हमको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करानी है, इससे एमाइड अमीन में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। एसिटल्डिहाइड से फॉर्मल्डिहाइड, पहले इनका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, CH3CHO से HCHO बनाना है, कहीं ना कहीं कार्बन परमाणु की संख्या में कमी हो रही है, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर दीजिए, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा CH3COOH। कार्बन परमाणु की संख्या घटाने के अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप इसका सोडियम डेरिवेटिव बनाकर सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए, या फिर अमोनिया से अभिक्रिया करा दीजिए, अमोनिया से अभिक्रिया करवाएंगे एमाइड बन जाएगा इसका CH3CONH2 और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करा दीजिए Br2+4KOH, ये बन गया मैथिल अमीन। अब आप HONO से रिएक्शन करा दीजिए, मैथिल एल्कोहल बन जाएगा और इसका ऑक्सीकरण करा देंगे मंद ऑक्सीकारक ब्रोमीन वाटर। अगर आपने तीव्रवाक्सीकरण करा दिया तो ये एक फॉर्मिक एसिड में चेंज होगा, लेकिन मंद ऑक्सीकारक करेंगे तो ये बन जाएगा HCHO। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर बढ़ते हैं। ये कन्वर्जन हमारे 12th कन्वर्जन के जैसा ही है। इसमें प्रोपेनोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला है CH3CH2COOH से एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल बनाना है। आप देख सकते हैं कार्बन परमाणु की संख्या में कमी करनी है, तो CH3CH2COOH सोडियम डेरिवेटिव बनाइए इसका, CH3CH2COONa सोडा लाइम से रिएक्शन कराइए, NaOH प्लस CaO CH3CH3 क्लोरीन से रिएक्शन करा करके क्लोरीन डेरिवेटिव बनाइए,
CH3CH2Cl, KOH एक्वस से रिएक्शन कराइए, CH3CH2OH, अब इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, एसिटिक एसिड मिल जाएगा यहां पर ऑक्सीकरण के रूप में, आप अम्लीय KMnO4 या K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर चलते हैं, एथिल साइनाइड से एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल आप जानते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एथिल साइनाइड CH3CH2CN से एथेनोइक एसिड CH3COOH बनाना है तो एथिल साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए, अपचयन हाइड्रोजन का योग CH3CH2CH2NH2 एक डिग्री अमीन के रूप में आपको प्रोपेन अमीन मिल जाएगा, इसकी HONO से रिएक्शन करा दीजिए CH3CH2CH2OH, एल्कोहल मिल जाएगा, ऑक्सीकरण करा दीजिए CH3CH2COOH, सोडियम डेरिवेटिव बनाइए पहले पद में और दूसरे पद में सोडा लाइम से रिएक्शन करा दीजिए NaOH और CaO, एथेन मिल जाएगा CH3CH3। अब इसका क्लोरीन डेरिवेटिव बना लीजिए सूर्य के विस्तृत प्रकाश की उपस्थिति में CH3CH2Cl, अब इसकी आप KOH एक्वस से रिएक्शन करा दीजिए CH3CH2OH, अब इसका तीव्र ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण करा दीजिए, एथेनोइक एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट कन्वर्जन। आइए नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर चलते हैं, प्रोपियोनामाइड से एसीटामाइड। ये प्रोपियोनामाइड का सूत्र है और ये एसीटामाइड CH3CH2 CH3CONH2 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 कार्बन परमाणु की संख्या घटानी है, 1 2 3 यहां पे 2 है तो प्रोपियोनामाइड हाफ में ब्रोमाइड कराकर कर दीजिए इसका 1 डिग्री अमीन। यहां पे लिख देता हूं Br2 प्लस 4 KOH, HONO से रिएक्शन करा लीजिए, N2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, CH3CH2OH ऑक्सीकरण करा दीजिए CH3COOH, अमोनिया से अभिक्रिया करा दीजिए CH3CONH2, इस प्रकार से एसीटामाइड मिल जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने 11 कन्वर्जन सीखे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं ये कन्वर्जन करा रहा हूँ उसी मेथड से ये कन्वर्जन होते हों, इनके लिए आप किसी और मेथड का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि किसी ना किसी एक मेथड को तो यहाँ पर हम लेकर चलते तो जो हमें सूटेबल लगा वो यहाँ पर मेथड हम लेकर के आगे की ओर बढ़े हैं। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने किस प्रकार से कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि होती है वह कन्वर्जन सीखे, जबकि सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने वह कन्वर्जन सीखे जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या में कमी होती है। यदि फिर भी यदि आपको कोई कठिनाई होती है या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको पूछ सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स की PDF फाइल हमारे पास अवेलेबल है, यदि आपको चाहिए तो वह भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से मंगवा सकते हैं।
बार बार आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा, अपने हाथों से इनके नोट्स बनाइएगा और बार बार इनका रिवीजन करिएगा, तो ये जो कन्वर्जेंस हैं ये आपको सरल लगने लगेंगे।